किसान वीरो, इस वीडियो में हम स्पेशली कवर करेंगे एचएफ और जर्सी नस्ल के शानदार बुल, जिन्होंने मेरठ कंपटीशन के अंदर शानदार पोजीशन पाई है। इधर जर्सी नस्ल का बुल है और इधर एचएफ नस्ल का बुल है। हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो हरियाणा से आए हैं, स्पेशली उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। पहले मैं इनका एचएफ नस्ल का जो बुल है उसको दिखाना चाहूँगा और इसने सेकेंड पोजीशन हासिल की है। आप इसका टैग देख सकते हैं, आप इसकी हाइट देखें और इसके जो टेस्टिकल हैं उनका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। टेस्टिकल के साइज़ जो हमारे सीमन होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में बहुत ही उम्दा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर जिस बुल के अच्छे टेस्टिकल होंगे वही बुल ही अच्छे सीमन प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वालिटी है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा जर्सी नस्ल का बुल है जो कि पहले स्थान पर आया है, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो हमारे हरियाणा के पशुपालक हैं वो मुर्रा में ही नहीं बल्कि बाकी नस्लों में भी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो आप इसका विजेता का टैग देख सकते हैं, इसके भी टेस्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, बहुत ही शांत स्वभाव है इनका। तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो करनाल से आए हैं, आइए आपकी उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार वीर जी। नमस्कार भाई। तो मैं आपके बीच में आ जाता हूँ जी। तो वीर जी, पहले हम अर्सी बुल की बात करेंगे, तो सर आप इस बुल के बारे में बताएं, इसकी एज कितनी है और ये कौन से सीमन का बच्चा है? सर ये बुल 6 दांत हो चुका है जी और ये MET इम्पोर्टेड USA सीमन का बच्चा है जी। ठीक है सर, जो इसकी मदर है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? उसकी मदर का फर्स्ट लैक्टेशन का पीक यील्ड था जी 35 लीटर जर्सी का। जर्सी का 35? आपके हर की बच्ची थी सर वो? नहीं जी, वो किसी हम लेके आए थे, वहाँ से आप उसको लेके आए थे। तो सर आप मुझे बताएं भी, या इसके आप इसके सीमन भी बनवा रहे हैं, आप इसने इसको सिर्फ नेचुरल क्रॉस के लिए रखा हुआ है? नहीं, सीमन बनवाएंगे सर हम इसका और हम फार्मर को इसका सीमन 100 रुपये में प्रोवाइड करवाएंगे होम डिलीवरी। 4 दांत है? हाँ जी। तो सर बताएंगे इसके जो ये कौन से सीमन से हुआ हुआ है ये सर? इसके जो फादर है वो हेडन है और वो USA का बुल है। USA का बुल है। तो सर इसकी मदर के बारे में आप मुझे बताना चाहेंगे? इसकी मदर का नंबर 1140 है और इसकी माता का जो फर्स्ट लैक्टेशन पीरियड है 42 kg। 42 kg? यस 42 kg। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपने इनके सर बच्चे भी लिए हैं अभी? नहीं, इसके अभी 1-2 बछड़ी है अपने पास, लेकिन वो चल रही है, मिल्किंग में नहीं आई। मिल्किंग में नहीं आई अभी। और सर इस बुल के बारे में बताएंगे, इसके बच्चे लिए हैं अभी? आप 1 साल तक इसकी प्रोजेनी टेस्टिंग हो जाएगी ये समझ लो आप, रफली हम बोलते हैं, जैसे भाई यहाँ बच्चे का दूध पता लग जाएगा, एक साल में हम आपको बता देंगे, एक साल में इसका रिजल्ट ही पता लग। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इनका कोई नाम भी रखा है जी? रखा है जी शेंकी। शेंकी। और इस बुल का क्या नाम है सर? मार्टिन। मार्टिन। तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने ये पहला ही मेला जीता है और फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज हमारा फर्स्ट टाइम ही आया। पहली बार हम मेलों में लेके आए हैं इनको, वैसे हम NDRI तक जाते रहते थे, आज पहली बार हम यहाँ आए हैं मेरठ, जो और हमारे दोनों बुल जीते हैं। सर इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हो, कि आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आपके दोनों बुल जीते हैं। सर आपका जो फार्म है वो खास करनाल के अंदर ही है? सर हमारी वेटनरी मेडिसिन की शॉप भी है गुरु ब्रह्मानंद मेडिकल स्टोर, और हमारा सीमन का भी काम है गुरु ब्रह्मानंद जेनेटिक्स के नाम से करनाल में जी। करनाल में सर आप सीमन अवेलेबल कराते हो करनाल में? तो अगर कोई किसान भाई आपसे सीमन लेना चाहता है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर प्रोवाइड कराएं, या आपसे कोई ब्रीड लेना चाहता है तो उसके नंबर लिए भी आप अपना नंबर बताएं सर। हाँ जी, मेरा उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9068333366, 9068333366। अच्छे पशुपालक के, नए पशुपालक के लिए यही कहूँगा कि वो अपना जितना हो सकता है नॉलेज गेन करे, नॉलेज को इकट्ठा करे, कहीं से भी इकट्ठा कर ले, कोई भी इकट्ठा डेयरी फार्म में जाके पूछ सकता है कैसे कर रहे हो भाई साहब आप, क्या कर रहे हो। अगर उनको कोई चीज़ की हेल्प की जरूरत है, मैं एनीवन उन भाइयों के लिए तैयार हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9812747261 और मनमोहन मेरा नाम है, गांव बम रेडी, जिला करनाल, हरियाणा। उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।